तरेज बाबा डट डट के टक्कर मारे गो राम रहीम तरेज बाबा डट डट के टक्कर मारे गो। अरे यमुना के तट पे बंसी बट पे बंसी बारे की। हाँ जी भैया रिंकू भैया अब टुकड़ा सुनना, ये क्षेत्र बड़ा ही सुनकर क्षेत्र है हमारा। मैं भी दूर का नहीं हूं, गोंडा के पास माती बसई का हूं, सब जानते। ये बड़ा ही सुनकर क्षेत्र रहा है हमारा इगलास तहसील का। एक लंग विष्णु भगवान विराजमाने, एक लंग शंकर भगवान विराजमाने, उन दोनों में समानता देखना। देख अरे सागर क्षीर में, अरे सागर क्षीर में हर कैलाश पितृ पुरारी। सागर क्षीर में हर कैलाश पितृ पुरारी। सागर क्षीर में हर कैलाश पितृ पुरारी। और मेरे संग में बोलिए ना कर। अरे सागर क्षीर में हर कैलाश पितृ पुरारी। और अरे हर के पग में गंगा शिव गंगा धारी। हर के पग में गंगा शिव गंगा धारी। अरे हर के पग में गंगा शिव गंगा धारी। और अरे शिव त्रशूल धारी तो हर चक्कर धारी। शिव त्रशूल धारी तो हर चक्कर धारी। धीरे से भैया। निज ग्रह छोड़ बसे वो दोनों ससुरारी। निज ग्रह छोड़ बसे वो दोनों ससुरारी। अगर लाइन समझ में आ जाए तो इतनी तालियां बजे कि मुझे भी महसूस हो जाए कि मेरा गाना सफल रहा। अरे जगदीश कहते वो दोनों कौन, विष्णु भगवान और शंकर भगवान। जगदीश कहते वो दोनों दुनिया का भार समेटे। वो जगदीश कहते वो दोनों दुनिया का भार समेटे हैं। अरे फिर भी लोग उन्हें कहते बिन बाप के बेटे। और विष्णु भगवान को देखो तो ये सर्प पे लेटे हैं। विष्णु भगवान ये सर्प पे लेटे हैं। शंकर भगवान ये सर्प लपेटे। ये सर्प पे लेते हैं, सर्प पे लेते हैं, वो सर्प लपेटे हैं। देख, अरे फिर भी लोग उन्हें कहते बिन बाप के बेटे। फिर भी लोग उन्हें कहते बिन बाप के बेटे हैं। तो ये भगवान ने आदमी को रूप दे दो तो नाग को ही रूप दे लो। वास्तविक क्या नाक को रूप देनो इच्छाधारी। अरे फिर भी लोग उन्हें कहते बिन बाप के बेटे। वो सर्प लपेटे, वो सर्प पले। कन्हैया कह रहे दुर्योधन से, अरे जो आधा अरे राज्य दे देगा खुशी में और वो भूल जाएंगे।
अरे जंग को टारे सको तो टारो और बरना चले न कोई चारो बोके गयो खेचो आटे बारो कह गयो खेचो आटे बारो कह गयो खेचो आटे बारो जंतर धारे पहले तो ये को ना हुआ मत अपन छोड़ा है वो भैया देखो हाजिर वाले भाई सुनो देखो कि कितने प्रेम से सुन रहे हैं कोई मतलब ना कहा है रो आपने आपने कुछ कर रखा है उसे दिखाओ मत डबल जोड़ा है आनंद लो केवल आपने पैसा खर्च किया उसका आनंद लो यार असीर भैया को मजा है ये छंद हुआ और एक टुकड़ा हुआ अब एक रसिया और देखेंगे मेरी तरफ से हाँ मास्टर साहब रसिया बजा के राघव जी कलम उठाओ लिखो रसिया तुम बड़े बढ़िया लड़ाम तो और छंद है हमारे के नंबरदार लड़ाता है गिलास हमारे ओ बैठ जाओ भैया एरे अपनी अम्मा के अम्मा के चलो जा अबहू पास एरे अपनी अम्मा के चलो जा अबहू पास अरे तू नंगो है के महलानो Thank you.
तेरी हो बच रखी काया, कोई मार सके ना तोकू तेरी हो बच रखी काया। अरे जल्दी चलो जा तू दुर्योधन, मंत्र ये मैंने बताया, मंत्र ये मैंने बनाया दुर्योधन। हाँ भैया तुम रसिया सुनवे मारे हो, सुनते रही हो, इन जो कुछ कर रहे हैं सो करते रहेंगी। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बड़े आराम से जा रहे हैं, ऐसी जाता है देखो कैसे। ले जाओ नागन ले जाओ बेटा, जाता हूँ ऐसी है। और जब दो दो परे और जानता कहा, जब सबरी और उतर जानते ना बुढ़ा ना भाई। अरे कोई मार सके ना तो कू, हो कोई मार सके ना तो कू तेरी हो बज्र की काया। अरे जल्दी चलो जा तू दुर्योधन, मंत्र ये मैंने बताया, मंत्र ये मैंने बताया तो कू। ज्यादा हो निराश, अरे कहीं पचौरी महाभारत में झुके न तेरो झंडा, हो कहे पचौरी महाभारत में, हो कहे पचौरी महाभारत में झुके न तेरो झंडा। उन्हें का हाथ उठा के बोलो भाइयों मेरे संग में, झुके न तेरो झंडा। अरे झूठो लेख लिखे जो शायर तेरी परे कमर पे, ओ परे कमर पे डंडा रे भैया। अरे बाबू शर्मा तो कोई खिचो मलको खास, अरे तू नंगो है के महलों में। छंद हुआ रसिया हुआ, अब ये गीत और सुनेंगे। पहला पहला नंबर है और धुन बजाएंगे मां साहब अलवेली धुन, और रसिया वालों की तरह नहीं जो के किसी फिटी धुनों को जो रसियाबाजी में बहुत कम गाई गई हो। और धुन बजाओ मां साहब, झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो। बात है तो भाई बोले, मैं मायके चली जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। वाह वाह, कुओं में गिर जाता तू। हाँ अरे झूठ बोले कौआ काटे,
काले कौए से डरियो ओ ले मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो ना कर यहां बैठ जा और इन्नो ले ले बनवारी भैया ले ले आ जाइयो ना के बनवारी भैया आ जाओ अरे झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो और मैं मायके चली जाऊंगी तू देखता रहियो नवनीत उस्ताद अब गीत सुनो बिल्कुल नया गीत अरे सतयुग से कलयुग तलक क्या ये सतयुग से कलयुग तलक संत महान क्या ये सतयुग से कलयुग तलक और भय साधु संत महान पर एक करे लाजे सभी पर एक करे लाजे सभी जम कहा करे भगवान ये एक करे लाजे सभी जम कहा करे भगवान तो मेरा कहना है दिनेश भैया अरे सतयुग बाजी त्रेता बाजी अरे सतयुग बाजी त्रेता बाजी और द्वापर में ऊ बाजी अरे सतयुग बाजी त्रेता बाजी और द्वापर में ऊ बाजी और ना के समझ में लाइन आ जावे तो फिर तालियां होनी चाहिए अरे सतयुग बाजी त्रेता बाजी और द्वापर में ऊ बाजी और अरे जे भाजे भाजे डोल रहे कलयुग में बाबा जी जे भाजे भाजे डोल रहे कलयुग में बाबा जी अब सतयुग की कहानी सुनेंगे लेखों से सतयुग में शुक्राचार्य ने कला धर्म का घेटा है सतयुग में शुक्राचार्य ने कला धर्म का घेटा है हो कला धर्म का घेटा है और शुक्राचार्य बाबा का तब एक सीकते बामन ने एक सीकते बामन ने बाबा को करो कलेटा है बोलना नहीं है पुरस्कार आदेश हुआ है भाई साहब आदेश हो चुका है कि बोलना नहीं है कोई पुरस्कार नहीं बोलना है अरे एक सीकते बामन ने और बाबा को करो कनेटा एक सीकते एक सीकते बामन ने बाबा को करो कनेटा है तो अरविंद भैया अरे दान धर्म पे गुरु शिष्य में अरे आपस में बाजी मैं चार बाजी दिखा रहा हूं अपनी तरफ से पहली बाजी लड़ाई वाली आपस में बाजी और मेरे संग में बलवइयों अरे भाजे भाजे डोल रहे कलयुग में बाबा क्या बात है सतयुग की बात अब त्रेता की बात कैसे अरे सिया हरण कर बेकू रावण अरे सिया हरण कर बेकू रावण बाबा जी बन आयो है ओ बाबा जी बन आयो है वो बाबा जी बन आयो है सिया हरण कर बेकू रावण बाबा जी बन आयो है हाँ भैया सैया का गलत है भैया अरे बाबा जी बन आयो है और रामचंद्र के हाथन दे और बन सब कुनबा तरवायो है सब कुनबा तरवायो है रामचंद्र के हाथन दे बन सब कुनबा तरवायो
कटे परे दस शीश समर में रावण के, अरे कटे परे दस शीश समर में और वो हार गयो बाजी। पहली बाजी लड़ाई के लिए, अब दूसरी बाजी, अरे वो हार गयो बाजी, ये है शर्त के लिए। हार गयो बाजी और भाजे भाजे डोल रहे कलयुग में बाबा जी। हाँ भैया इधर वाले हो, गीत समझ में आ रहा हो भैया? बहुत बढ़िया साहब। अब द्वापर युग आया, अब द्वापर युग में बाबा कौन सो बिगड़ रहे है देख। द्वापर में ओट मढ़ैया की, अरे द्वापर में ओट मढ़ैया की, के द्वापर में ओट मढ़ैया की वो नाव में ले गयो बाबा जी। काहे में ले गयो? नाव में। अब नाव में बाबा जी कौन किसको ले गया? ऋषि पाराशर, ऋषि पाराशर कन्या सत्यवती को नाव में ले गए और कोहरा प्रकट किया, उन्होंने उसके साथ में भोग किया तो एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम व्यास जी महाराज था। बोलिए व्यास जी महाराज की। द्वापर में ओट मढ़ैया की वो नाव मिले गयो बाबा जी। और अरे भोग करो त्वारी कन्या ते, अरे एक पैदा है गयो बाबा जी। अरे वेद व्यास के कौरव पांडव कह रही बाजी बाजी, जैसे के गलियारन में औरत कह रही है, ये औरत के लिए बाजी घटाया है, कह रही बाजी बाजी, अरे भाजे भाजे डोल रहे कलयुग में बाबा जी। अरे भाजे भाजे डोल रहे, भैया जल्दी दे और जल्दी खेला खत्म करे तो हुआ नहीं ले जाएंगे वो। तेरा इंतजाम तो आप बताओ, इंतजाम तो तुम्हारा। हाँ अब कलियुग की बात और बावन की बात चल रही है और बाजी की बात, एक लड़ाई बाजी, एक शर्त के लिए, एक औरत कह रही है बाजी बाजी, समझना मेरी बात को। अब लास्ट बंद कह रहा हूं, एक बाबा घूमयो बिल्डोजर बाबा जी, वो बड़े जोरों का चल लो बिल्डोजर बाबा जी। देख अब लास्ट बंद समझेंगे, अरे आशा राम और राम रहीम से, अरे आशा राम और राम रहीम से, पीछे कर बेटा राघव जी लिखो देख लिख रहे। अरे बेटा जोड़ नहीं है वास्तव में कविता में लिखी में। हाँ तो लिख तो रहे हैं। हाँ जवाब लिखेंगे, देखा तेरे में चिंता का ही कर रही हो। देख आशा राम और राम रहीम से, और कलयुग में है गए बाबा जी, कलयुग में है गए बाबा जी, वो कलयुग में है गए बाबा जी। कौन कौन? आशा राम और राम रहीम से कलयुग में है गए। और देखो तुम ताली बजाओगे जालान पे, ये तो है गए पर, अरे बलात्कारी रोंद रोंद के, अरे बलात्कारी रोंद रोंद के जेल भेज दे बाबा जी, जेल भेज दे बाबा जी, वो जेल भेज दे बाबा जी। अरे बलात् रोंद रोंद के जेल भेज दे बाबा जी। और जो मैं लास्ट बाजी बोल रहा हूँ ये कर्म के लिए आ रही है। हाँ जी भाई साहब, ये कर्म के लिए बाजी आ रही है। क्या कैसे? अरे कहे मुकेश, अरे कहे मुकेश हजारन में और करता रसिया बाजी,
अरे कहे मुकेश हजारन में करता रसिया बाजी, अरे कहे मुकेश हजारन में और करता रसिया बाजी, और अरे भाजे भाजे डोल रहे कलयुग में बाबा जी। धन्यवाद धन्यवाद।